सो यहाँ पर अपने पास प्रॉब्लम है, अपन को इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। सो यहाँ पर अपन इसको देखे तो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं सबसे पहले, तो सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, ये टी टेंडिंग टू जीरो पे, यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है। सो अपन एल ओपिटल रूल लगा सकता है, तो ये 1 - cos 3t डिवाइडेड बाय t² + 3, और यहाँ पे 3t² हो जाएगा। सो फिर यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो 1 - cos x / x² वो वाली फॉर्म यहाँ पर अगर अपन लगाने की कोशिश करें, तो उसके लिए मैं ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो यहाँ पर सिर्फ इतनी क्वांटिटी की वैल्यू, ये तो हाफ हो जाएगी, और ऊपर यहाँ पे 3 बचा, और ये भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो ये तो सिंपली हाफ हो गया ऊपर वाला पार्ट। नीचे वाले पार्ट को देखे तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -half to half। यहाँ पर ये साइन ऑफ, इसको मैं साइन इनवर्स ऑफ x² लिख सकता हूँ। अगर एक तुम यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, सो ये x² ये 1 है, सो ये 1 - x की पावर 4 हो जाएगा। सो इस वाले पार्ट से तो 10 बना है, तो साइन को इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, -1 - half to half के अंदर। सो यहाँ पर ये सिंपली मेरे पास x² हो जाएगा, एंड -half to half ये सिंपली x² का x³/3 हो जाएगा, वो इंटीग्रेट करोगे तो। तो 1/3 यहाँ पे 1/8 + 1/8, तो ये यहाँ पे 1/12 आएगा तुम्हारे पास। सो जो तुम्हारा आंसर है इस लिमिट का, वो 1/2 / 1/12, यानी 6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं।